5, 4, 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू ब्यूटी टिप्स। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जालिमा सॉन्ग से मौनी रॉय का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने डॉट डॉट करके लगाया था मैक का फाउंडेशन, बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाया था। उसके बाद लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर और दोनों ही मेरी स्किन शेड है। आईब्रो को मैंने पहले ही थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर लिया था और उसके बाद मैंने कंसीलर से आईब्रो को बहुत अच्छे से शेप दिया। अब मैं पूरे फेस पर अपने कंसीलर एरिया पर कंसीलर लगाऊंगी। और मैंने जो स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन लगाया था वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाया था, बिल्कुल नॉर्मल सा, और यहाँ मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा जो है मेरा कंसीलर का सेट हुआ था। उसके बाद फिर से मैं एक बार आईब्रोज़ को डिफाइन करूँगी। यहाँ मैंने लैक्मे का लगाया था लूज़ पाउडर और मैंने स्पंज से पहली बार लूज़ पाउडर लगाया था जो कि मुझसे लग नहीं रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा से ब्रश से सेट किया था। तो आईज़ मेकअप करने के लिए मैंने सबसे पहले ब्राउन शेड लिया था और यहाँ मैंने जो आईज़ मेकअप किया था मौनी रॉय का है, जो आईज़ मेकअप डार्क ब्राउन हो रखा है, पर मैंने यहाँ ब्राउन एंड लाइट पिंक शेड मतलब पर्पल शेड ली थी थोड़ी सी। उसके बाद मैंने लगाया है और मैंने आई शेडो को अच्छे से मर्ज कर लिया है, मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने पहले पतला सा लाइनर लगाया और फिर मैंने उसके बाद विंग्स निकाली है लाइनर में लॉन्ग सी और रेड चेरी की आईलैशेस सेट की है आईज़ पर। बहुत ही नेचुरल सा आईज़ मेकअप रखा था और आईज़ में लो वाटर लाइन में मैंने काजल लगाया था तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था। तो उसके बाद मैंने उसे मर्ज किया और थोड़ा सा पिंक शेड भी दी है, दोनों को ब्लैक और पिंक को अच्छे से मर्ज कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ब्रॉ बोन पर मैंने सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगाया है। उसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को कॉन्ट्यूर, पाउडर कॉन्ट्यूर का यूज़ किया है मैंने और यहाँ मैंने लगाया है मिस रोज़ का ब्लशर। और आप देख सकते हो मेरी फेस का बेस मिस रोज़ से ही मैंने हाइलाइटर लिया है। आज पहली बार फिंगर से हाइलाइटर लगाऊंगी मैं और इस तरीके से नोज़ पे भी कंप्लीट करूंगी। मेरी फेस का बेस देख सकते हो बहुत ही अच्छा बेस बना था, बिल्कुल आपकी स्किन शेड मैचिंग की होगी तो बहुत अच्छा बेस बनेगा। और स्विस ब्यूटी की ली थी मैंने मैक की मतलब स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली थी जो कि न्यूड शेड थी और इस तरीके की ज्वेलरी डाली थी। थोड़े से बालों को किया था मैंने कर्ल और इस तरीके से थोड़ा सा मिलता जुलता मेकअप करने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर।